का हमारा सेकंड लेक्चर है। तीन चार एग्जांपल से हम जो है पॉइंट के कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद सिंपल एग्जांपल, हम जो है स्वैप फंक्शन फर्ज करें बनाना चाहते हैं कि मेन प्रोग्राम में हमारे पास फर्ज करें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, अपनी तरफ से हमने इन्हें डमी वैल्यूज असाइन कर दिया, एक्स को 5 असाइन कर दिया, वाई को 10 असाइन कर दिया। एक्स और वाई को हमने प्रिंट किया, दरमियान में स्पेस भी प्रिंट कर दी, तो स्क्रीन पे आउटपुट क्या आना चाहिए, 5 और 10 आ जाए। फंक्शन स्वैप हमने डिफाइन करना है जो कि एक्स और वाई की वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। फंक्शन मेन प्रोग्राम से पहले हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप दे दी है कि ये फंक्शन जो है दो इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लेगा और फंक्शन का नाम स्वैप होगा। और इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, मेन प्रोग्राम में ये फंक्शन कॉल है, एक्स और वाई के ऊपर कॉल करेंगे, तो ये इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू इंटरचेंज कर दे, एक्स की वैल्यू वाई में चली जाए, वाई की वैल्यू एक्स में चली जाए। फिर जब हम वही एक्स और वाई को आउटपुट करें तो हमारे पास 5 और 10 की बजाय अब क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 और 5। तो अभी हम जो है फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन फंक्शन की ये हो सकती है कि दो आर्गुमेंट्स लेगा, उनके नाम फिलहाल हम एंड ए और एंड बी कर देते हैं, एक और थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं, किसी भी नाम का बना लें, टेम के नाम का बना लें, जी के नाम का बना लें, किसी भी नाम से बना लें, उसको हम यूज करते हैं टेम्परेरली एक वेरिएबल की वैल्यू होल्ड करने के लिए ताकि हम वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकें। टेम्प में हमने फर्क ने ए की वैल्यू स्टोर की है, आप चाहें तो बी की वैल्यू स्टोर कर दें, लेकिन जो भी वेरिएबल इधर लिखना है वही वेरिएबल नेक्स्ट स्टेटमेंट में यस लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट आपने जो आपने लिखना है। तो अगर ए की वैल्यू मैंने असाइन किया है तो ए की वैल्यू मैं ओवर राइट कर रहा हूँ और इसमें मैं बी की वैल्यू कॉपी कर रहा हूँ, और बी में जो ए की पुरानी वैल्यू 10 में स्टोर थी वो आ जाएगी। अच्छा जी, अभी हमने फंक्शन बना तो लिया है लेकिन ये रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं देगा। मेन प्रोग्राम के वेरिएबल्स एक्स और वाई सेपरेट हैं, अलहदा हैं, उनकी मेमोरी लोकेशन जो है वो अलहदा है, और ये जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सेपरेट हैं, इनकी मेमोरी लोकेशन अलहदा है, क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड जो फंक्शन में यूज होता है वो होता है पास बाय वैल्यू। लाइन बाय लाइन एक्सक्यूट करते हैं, पहली लाइन जब एक्सक्यूट हुई मेमोरी के अंदर एक्स और वाई दो हमारे वेरिएबल्स बन गए, एक्स को 5 असाइन हो गया, वाई को 10 असाइन हो गया। दूसरी लाइन एक्सक्यूट हुई, 5 और 10 डिस्प्ले हो गया, स्वैप फंक्शन की कॉल हुई। थर्ड स्टेटमेंट में कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन जंप करके जब स्वैप की डेफिनेशन पे आया तो यहाँ पे ए और बी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जो सेपरेट वेरिएबल्स बन गए उनकी सेपरेट मेमोरी है, और एक्स और वाई जो मेन प्रोग्राम के ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू यहां पे कॉपी हो गई। वो कैसे, 5 और 10, कंप्यूटर ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, 5 और 10 की वैल्यू जो है कंप्यूटर कॉपी कर देता है, डिफॉल्ट जो पैरामीटर पासिंग मेथड है वो पास बाय वैल्यू है। मेन प्रोग्राम के वेरिएबल्स की वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर सीक्वेंस वाइज, पहले वेरिएबल की वैल्यू पहले आर्ग्यूमेंट में, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दूसरे आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट लाइन में अब फंक्शन की बॉडी एक्सक्यूट होने लगी है, टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो मेमोरी के अंदर ये हमारी मेमोरी स्ट्रक्चर है, फर्ज करें मेमोरी के अंदर एक सेपरेट वेरिएबल लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन टेम्प बन गया। टेम्प को हमने ए की वैल्यू असाइन किया है तो वही ए वाली वैल्यू इधर कॉपी होगी। नेक्स्ट लाइन पे ए में हमने बी की वैल्यू असाइन किया है तो टेन वैल्यू यहां पे कॉपी हो गई, 5 वैल्यू ओवरराइट हो गई, 5 वैल्यू खत्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे बी को हमने टेम की वैल्यू दी है तो टेन वैल्यू ओवरराइट होगी, यहां पे वैल्यू 5 वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। जितनी भी चेंजेस हुई है ये सारी लोकल वेरिएबल्स ऑफ फंक्शन में हुई है, ओरिजिनल वेरिएबल पास नहीं हुआ है, क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मेथड क्या है, पास बाय वैल्यू। अब कंट्रोल ऑफ एक्सक्यूशन जब यहां से वापस यहां पे आएगा तो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो वही 5 और 10 रहेंगी, ये सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, मेमोरी इरेज हो जाएगी इन वेरिएबल्स की। फिर जब कंप्यूटर एक्स और वाई को प्रिंट करेगा तो इंस्टेड ऑफ 10 एंड 5, 5 और 10 जो है दोबारा प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट जो है
इसके बजाय रिक्वायर्ड आउटपुट के बजाय ये वही ओरिजिनल जो है पहले जो उनकी वैल्यू थी, वैल्यू इंटरचेंज नहीं होंगे। तो जब हमने किसी फंक्शन में ओरिजिनल वेरिएबल्स पास करने हो तो फिर हम क्या करते हैं, पास बाय रेफरेंस मेथड यूज करते हैं। ठीक है, पास बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज आता है कि हम जो है एंड परसेंट लगा देते हैं, ठीक है, और प्रोटोटाइप में और एंड परसेंट लगा देते हैं, आर्ग्यूमेंट लिस्ट में, ठीक है, और फंक्शन कोड में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ए और बी बेसिकली रेफरेंस हैं ओरिजिनल वेरिएबल्स एक्स और वाई का। रेफरेंस क्या होता है, एक अल्टरनेट नेम होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रेफरेंस है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड मिलता है, तो आपके नाम को जो है वही ग्रेड मिल रहा है। तो ये नॉर्मल मेथड है पास बाय रेफरेंस ओरिजिनल वेरिएबल्स को पास करने का। ये नॉर्मल मेथड बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है, कि हमें जो है कोई डेफिनेशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिवली यही काम जस्ट टू अंडरस्टैंड पॉइंटर्स, हम पॉइंटर्स की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जरा होल्ड कर लें, उसे बुला लें। अच्छा जी, ये ओरिजिनल मेथड है, नॉर्मल मेथड है पास बाय रेफरेंस टू पास ओरिजिनल वेरिएबल टू ए फंक्शन। और इसमें जब ये फंक्शन हमारा एक्सेप्ट होगा, यहां पे इस लाइन से जब कॉल होगा, कॉल ऑफ एग्जीक्यूशन जंप करके फंक्शन पे आएगा, तो एक्चुअली ए और बी पास बाय रेफरेंस हो रहे हैं, सेम मेमोरी लोकेशन का दूसरा नाम हो जाएगा ए, और वाई वाली सेम मेमोरी लोकेशन का, मेमोरी लोकेशन सेम है, उसका दूसरा नाम हो जाएगा बी। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, टेंप वेरिएबल बना, उसमें जो है ए की वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू जो है यहाँ पे कॉपी, Y की वैल्यू जो है B की वैल्यू A में कॉपी होगी, जो कि असल में Y की वैल्यू है। सिमिलरली B में टेंप की वैल्यू आ गई, A की पुरानी वैल्यू आ गई, तो एक्चुअली Y की वैल्यू चेंज होगी। सेम मेमोरी लोकेशन के ये नाम है A और B। कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन, जब ये फंक्शन खत्म होगा ये मेमोरी तो रीएलोकेट हो जाएगी, लेकिन जब कंट्रोल इधर आएगा तो एक्स और वाई की वैल्यूज एक्चुअली स्वैप हो चुकी होंगी, तो फिर हमें वो डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा जो कि हम स्वैप ऑपरेशन के जरिए अचीव करना चाह रहे हैं, कि 10 और 5 जो है ये एज ए आउटपुट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि सेम फंक्शनैलिटी, सिर्फ पॉइंटर को अंडरस्टैंड करना हमारा मकसद है, ठीक है, वरना इस तरह से फंक्शन हमारा ठीक बना हुआ है। हम एक और वर्जन बनाते हैं, सेपरेट प्रोग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर टू पास ओरिजिनल वेरिएबल टू ए फंक्शन। फंक्शन हमारा दो इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स लेगा। पहली चेंज के प्रोटोटाइप में डिक्लेरेशन लाइन में स्टैरिक हमने लगा दिया टू इंडिकेट के ये जो है फंक्शन हमारा पॉइंटर्स, दो इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स लेगा। मेन प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह से है, एक्स को हमने 5 से इनिशियलाइज कर दिया, वाई को 10 से इनिशियलाइज कर दिया, सी आउट एक्स वाई को हमने डिस्प्ले किया स्क्रीन पे, जो है 5 और 10 डिस्प्ले हो जाएगा। स्वैप का हमने फंक्शन कॉल करना है एक्स और वाई पे, और हम चाहते हैं कि फंक्शन के बाद जब हम एक्स और वाई को डिस्प्ले करें तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाए, 10 और 5 जो है वो डिस्प्ले हो जाए, वैल्यू इंटरचेंज हो जाए, वैल्यू स्वैप हो जाए। सिर्फ पॉइंटर को समझना हमारा मकसद है कि पॉइंटर जो है, वरना वो वाला वर्जन भी ठीक था, वो वाला वर्जन हमारा प्रोग्राम का ठीक था। अच्छा, पॉइंटर के जरिए हम फंक्शन बनाते हैं, स्वैप इंटीजर टाइप का पॉइंटर ए एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास किया, इंटीजर टाइप का पॉइंटर बी एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास किया। तकरीबन वही मिलती जुलती स्टेटमेंट्स हैं कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल टेंप बना दिया, ये पॉइंटर नहीं है, ये वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो टेंप के इंटीजर वेरिएबल में हमने वैल्यू ऑफ ए जो है वो हमने स्टोर करनी है। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल ए एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, ये स्टैरिक जिसे बोलते हैं, वैल्यू ऑफ
ए वैल्यू आप लगाना जरूरी है, जिम्मेदारी, अदरवाइज खाली ए असाइन करेंगे तो वो एड्रेस को असाइन करने की कोशिश करेगा और उसका एरर आ जाएगा रन टाइम पे। और वैल्यू ऑफ ए जो है उससे हमने असाइन किया वैल्यू ऑफ बी, और वैल्यू ऑफ बी को हमने वापस असाइन कर दिया ए की पुरानी वैल्यू, और हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अभी इस फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस देखें कि कोड में जरा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर हमें लगाना पड़ गया है, थोड़ा डिफरेंट हो गया हमारा कोड, थोड़ी पॉइंटर की मदद से सेम फंक्शनैलिटी तो अचीव हो गई है, वैल्यूज भी इंटरचेंज हो गई है, लेकिन जरा कोड जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेकिन ये हमने सिर्फ पॉइंटर का कंसेप्ट समझने के लिए किया है। लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट करते हैं, मेमोरी का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से जो है मेमोरी रिप्रेजेंट हो रही है। पहली लाइन ज्यादा एक्सिक्यूट हुई है एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स बन गया एक्स एंड वाई, एक्स 5 से इनिशियलाइज हो गया, वाई जो है वो 10 से इनिशियलाइज हो गया। दूसरी लाइन एक्सिक्यूट हुई 5 और 10 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा ये अभी आउटपुट 10 और 5 जो है वो अभी डिस्प्ले नहीं हुआ। स्वैप फंक्शन कॉल हुआ थर्ड स्टेटमेंट पे, कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन जो है अभी यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू पास कर रहे हैं पॉइंटर में, यहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है। यहां फंक्शन कॉल को भी जरा चेंज करना जरूरी है, ए इज अ पॉइंटर, उसे हम वैल्यू नहीं पास कर सकते इंटीजर वैल्यू, हम उसे एड्रेस ऑफ ए पास करेंगे। सिमिलरली बी इज अ पॉइंटर, बी को भी हम जो है एड्रेस ऑफ वाई पास करेंगे। तो ये करेक्शन जो है ये हमने करनी है, एड्रेस ऑफ एक्स ए में आएगा, एड्रेस ऑफ वाई बी में आएगा। कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन जंप करके जब इधर आएगा तो ए और बी दो पॉइंटर वेरिएबल्स बन जाएंगे, और पॉइंटर वेरिएबल को यहां पे मैं एड्रेस लिखने की बजाय ये डॉट से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। एड्रेस की तो कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी ना, अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे इसमें क्या एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। ये जब एड्रेस पास होगा एक्स का ए में, तो इसे एड्रेस तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसे मैं जब ड्रा करूंगा स्क्रीन पे तो एरो के जरिए मैं ड्रा करूंगा पॉइंटर। सिमिलरली एड्रेस ऑफ वाई जब बी में पास हो रहा है तो इसे मैं एरो के जरिए जो है इस वैल्यू को 10 को बी के जरिए एक्सेस करना हो तो वैल्यू ऑफ बी जो है मैं कर सकता हूं। सिमिलरली इसको अगर मैंने 5 को एक्सेस करना हो तो वैल्यू ऑफ ए के जरिए मैं इसी सेम मेमोरी लोकेशन को उस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो वैल्यू ऑफ ए जो कि 5 है एक्स वाली मेमोरी लोकेशन पे है वो कॉपी कर दी मैंने टेम्प में, टेम्प एक वेरिएबल बन गया लोकल वेरिएबल इस फंक्शन का, वैल्यू ऑफ ए 5 कॉपी हो गई टेम्प में इस लाइन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ बी जो है वो वैल्यू ऑफ ए के तौर पे सेव हो गई है, जिस मेमोरी का एड्रेस ए के पास है उसकी उस एड्रेस पे जो वैल्यू आई है वो वैल्यू ऑफ बी यहां पे हो गया 10 इस लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ बी के तौर पे क्या वैल्यू सेव हो रही है, जो 10 में वैल्यू पड़ी गया 5, तो ये जो है 10 ओवरराइट हो जाएगा और यहां पे वैल्यू ऑफ बी ये वाली मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी गया उसको रिप्रेजेंट कर, और ये वैल्यू 5 जो है यहां पे कॉपी हो गई। कंट्रोल ऑफ फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, कंट्रोल जंप करके जब इधर वापस आएगा तो एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे तो स्क्रीन पे 10 और 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एज ए अल्टरनेट वे है कि हम पॉइंटर की मदद से ओरिजिनल वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं, ठीक है जी। नोट कर लेंगे, नोट कर लें, ये मेमोरी स्ट्रक्चर भी नोट कर लें। अच्छा जी, अभी ये दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि ओरिजिनल वेरिएबल पास करने के लिए हम पास बाय रेफरेंस मेथड यूज करते हैं। तकरीबन ये सिमिलर एग्जांपल है, बल्कि ये प्रीवियस एग्जांपल से भी जरा आसान एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक जो है वो आर्गुमेंट पास हो रहा है। फंक्शन हमने बनाना है 2 सेंटी का, जो कि इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, और हमें मालूम है कि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। 2.54 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इस वजह से हमने फ्लोट डाटा टाइप यूज की हुई है। मेन प्रोग्राम में हमने एक्स वेरिएबल बनाया, उसे 12 इंचेस हमने असाइन कर दिए जो कि 1 फीट के इक्विवेलेंट है। ये लाइन जब एक्सिक्यूट होगी मेमोरी में वेरिएबल बन जाएगा एक्स और उसे 12 इंचेस जो है वो असाइन हो जाएंगे।
नेक्स्ट लाइन जब एक्सक्यूट होगी आउटपुट स्क्रीन पे इंचेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स जो के 12x12 प्रिंट हो जाएगा। टू सेंटी फंक्शन कॉल हुआ एक्स के ऊपर पास बाय रेफरेंस है, प्रोटोटाइप में भी 8% लगा हुआ है, फंक्शन की हेडर लाइन में आर्गुमेंट लिस्ट में भी फ्लोट के साथ 8% लगा हुआ है। तो पास बाय रेफरेंस में सेम मेमोरी लोकेशन का ये वाला जो आर्गुमेंट नेम है ये दूसरा नाम बन जाएगा, कंप्यूटर जो है सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। और फंक्शन डेफिनेशन हमारी बहुत ही सिंपल सी है कि वैल्यू ऑफ ए को हम 2.54 से मल्टीप्लाई करके ए को हम अपडेट भी कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को अपडेट कर दिया। तो यही 12 जो है 2.54 से मल्टीप्लाई होके अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट के इक्विवेलेंट जो के 30 सेंटीमीटर बनते हैं वो वैल्यू जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद वापस लग जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 30। नॉर्मल मेथड से हमने कर लिया, अभी सिर्फ हमारा मकसद पॉइंटर को समझना है, तो हम यही काम एज एन अल्टरनेट वे पॉइंटर के जरिए भी हम करना चाहते हैं। पहला जो चेंज आएगा फंक्शन डिक्लेरेशन में 2 सेंटी और स्टेरिक हम यूज करेंगे कि ये फंक्शन जो है पॉइंटर टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लेता है, पॉइंटर टाइप का। मेन प्रोग्राम हमारा वही है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हमने एक्स बना लिया, उसे 12 इंच जो कि इक्विवेलेंट 1 फीट है वो हमने असाइन कर दिया। सीआउट के मैसेजेस भी इसी तरह से हैं, इंचेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स हमने प्रिंट करा देनी है। और 2 सेंटी में अभी खाली x नहीं पास करना क्योंकि पॉइंटर पास करना, x का एड्रेस पास करते हैं। पॉइंटर में ये एक वेरिएशन फंक्शन कॉल में आती है, जब हम ओरिजिनल वेरिएबल पास करना चाह रहे हैं तो हम उसके एक्चुअली एड्रेस पास करते हैं। और आफ्टर द 2 सेंटी फंक्शन हम जो है सेंटीमीटर इक्वल टू हम जो है प्रिंट भी करते हैं। मेन प्रोग्राम के बाद फंक्शन डेफिनेशन और इसमें आर्गुमेंट जो हमारा पॉइंटर फ्लोट टाइप का पॉइंटर है, वेरिएबल नेम हमने कर दिया ए, और एज कंपेयर टू प्रीवियस फंक्शन इस फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा कि ए के पास एड्रेस है, उस एड्रेस पे आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है, फंक्शन जब कॉल हुआ एक्स में 12 पड़ा हुआ था उसका एड्रेस ए में कॉपी हुआ, तो हमने एड्रेस को पॉइंटर को एरो के जरिए हमने ड्रा कर लिया। इस एड्रेस पे आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर के जरिए। 12 को हमने एक्सेस करके उसे 12 को 2.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 को एक्सेस करने के लिए वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद 2.54 is assigned back to, दोबारा वापस अपडेट होगी वैल्यू ऑफ ए। अब ये बेशक इसको जो है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूटेटिव है, आप इस एक्सप्रेशन को इधर कर दें 2.54 को इधर कर दें फिर भी हमारा फंक्शन जो है वो सही काम करेगा। और कंट्रोल ऑफ एक्सिक्यूशन जब इधर वापस जाएगा तो ये वाली वैल्यू 2.54 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो चुकी होगी और स्क्रीन पे हमारा बिल्कुल वही आउटपुट आएगा, पहले इंचेस जो प्रीवियस वर्जन का आउटपुट था इक्वल टू 12 आएगा और फिर आफ्टर द 2 सेंटी फंक्शन कॉल सेंटीमीटर इक्वल टू 30 जाइए डिस्प्ले हो जाए। ठीक है जी, स्टॉप कर लें। फंक्शन अब बनाना चाह रहे हैं हाउ टू पास An array to a function. Array हम जो है किसी फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। मेन प्रोग्राम में हमारे पास x array है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी
मेमोरी में हमारे पास 5 की लेंथ का एरे बन जाएगा और उनमें क्या वैल्यूज हो जाएंगे स्टोर, 2, 4, 6, 12 and 3, और इनके ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर भी जो है वो असाइन। ये वाली लाइन जब एक्सक्यूट होगी, एरे को फंक्शन में पास करने का सिंटैक्स क्या है कि आप सिर्फ एरे नेम जो है लिख देते हैं, एरे नेम, ठीक है, और कोई एंड परसेंट या कोई और चीज नहीं लिखते सर। एरे जो है फंक्शन में पास हो जाता है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में ए हमारा डबल टाइप का एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है, इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा, उसके सिंटैक्स पे अलाउड नहीं है। तो एरे ए में एक्स जो है वो हमने पास किया है, तो टेक्निक यह है कंप्यूटर की, इंटरनल प्रोसेस यह है कि एरे हमेशा ओरिजिनल ही पास होता है, पास बाय रेफरेंस होता है एरे हमेशा। सेम एरे का नाम जो है ये ए कर देगा, कुछ सेपरेट एरे नहीं बनाएगा, एरे पास बाय वैल्यू पास होता ही नहीं है, एरे ओरिजिनल ही पास होता है। फंक्शन हमारा सिंपल है, इंटीजर वेरिएबल आई हमने लिया, आई को 0 से लेकर 4 तक हम आइट्रेट करा रहे हैं और बॉडी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आई जो ही 5 होगा लूप टर्मिनेट होगा, फंक्शन खत्म होगा। रिपीटेशन क्वेश्चन में आई का इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन भी हमने लिख दिया है। एरे की हर आई इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.54 से और हम इसे अपडेट करते जा रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, 2.52 जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 point something, ये जो है 10.1 something, ठीक है, ये 12 point something, अज्यूम कर रहे हैं ये जो है ये 30 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 से जो है ये हो जाएंगे, अज्यूम कर रहे हैं कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये वैल्यू आ रही है, अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल करेक्ट वैल्यू करें तो कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू अपडेट हुई है, लेकिन बाय सिंटैक्स एरे हमेशा जो है ओरिजिनल ही पास होता है, तो ओरिजिनल एरे एक्स ऑफ द मेन प्रोग्राम जो है वो चेंज हो गया। अभी जब हम लूप के जरिए डिस्प्ले करेंगे तो स्क्रीन पे अपडेटेड वैल्यू जो है ये तो खत्म हो गया, एक्स की अपडेटेड वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, इंचेस की वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट होके डिस्प्ले हो जाएगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये जो नॉर्मल प्रोसेस है बहुत ही सिंपल आसान है, मुनासिब नहीं है इसे पॉइंटर के जरिए करना, लेकिन सिर्फ हम जस्ट टू अंडरस्टैंड पॉइंटर्स, सिर्फ पॉइंटर्स को समझने के लिए हम जो है अल्टरनेट वर्जन, सेकंड वर्जन जो कि सेम आउटपुट देगा वो हम बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ पॉइंटर को अंडरस्टैंड करने के। सेम सिंटैक्स, डेटा टाइप हम डबल कर देते हैं, थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाएगा मेमोरी का, डबल टाइप का पॉइंटर पास कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय अब हमने पॉइंटर कर दिया, और मेन प्रोग्राम में भी एरे एक्स हमारा है वही एरे है विद सेम वैल्यू 2, 4, 6, 12 और 3 से हम इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं, और 2 centi में हम इसे पास करेंगे। और फंक्शन कॉल के बाद अभी इसे कंप्लीट करना है हमने लूप लगा के, जैसे मेन प्रोग्राम में पहले वर्जन में हमने किया हुआ था, सारी एरे की वैल्यू जो है वो हम प्रिंट कर देंगे। डबल टाइप का पॉइंटर, डबल टाइप का पॉइंटर ए पास किया, एरे की बजाय अब हम पॉइंटर के जरिए एरे पास करना चाह रहे हैं,
ठीक है जी। तो सिंटैक्स क्या है, फंक्शन कॉल में पहले हम देखते हैं कि वही जो एरे का नाम है वही एज इट इज पास हो जाएगा, तकरीबन वही मेमोरी स्ट्रक्चर है, सिर्फ अब हमारा ए जो है एज ए पॉइंटर है, और बेसिकली टेक्निकली क्योंकि एरे का नाम भी जो है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है टू द फर्स्ट सेल ऑफ द एरे, तो यहां पे इसलिए हमें एड परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स के पास ऑलरेडी एड्रेस है, वही एड्रेस जो है वो ए में कॉपी हो जाएगा, तो जो एड्रेस इधर है वही एरो के जरिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको भी हम जो है एरो के जरिए पॉइंटर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो पहले सेल का एड्रेस, एरे के जीरो इंडेक्स वाले सेल का एड्रेस जो है वो एक्स में था, वही एड्रेस जो है यहां पे कॉपी हो जाएगी। और फंक्शन डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंज आएगी, कंट्रोल लूप का कंट्रोल पार्ट तो तकरीबन वही है, आई इज इनिशियलाइज्ड टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, लेकिन एक्सप्रेशन में अब चाहे तो एरे ए में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू को हमने एक्सेस करना है, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं ना, वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद 2.54, पॉइंटर ए के पास किस सेल का एड्रेस आया है, फर्स्ट सेल का, यहां पे पहले 2 था, ठीक है, पहले सेल का एड्रेस आया उसे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2.54 से, ताकि इंचेस की वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये एक्सप्रेशन ए के पास पहले सेल का एड्रेस है, ये एक्सप्रेशन 10 मरतबा सिर्फ पहले सेल के एड्रेस को वैल्यू को ही अपडेट करता जाएगा। हम चाहते हैं अगली आइट्रेशन में नेक्स्ट सेल का एड्रेस हम एक्सेस करना चाहते हैं, या तो आई को इधर इंक्रीमेंट कर दें, सॉरी ए पॉइंट ए को इधर इंक्रीमेंट करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, या ये है कि आप जो है आई वेरिएबल को यहां पे यूज कर लें एड्रेस में एड अप करके, आई एज एन ऑफसेट जो है कि ए के पास 0 सेल का एड्रेस है, आगे आई की जो भी वैल्यू होगी 0 होगी तो पहला सेल होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी अगली इटरेशन में, तो नेक्स्ट सेल का एड्रेस जो है इस तरह से कैलकुलेट करके वैल्यू ऑफ ऑपरेटर के जरिए उसकी पुरानी वैल्यू को इंचेस वाली वैल्यू को 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सेल पे हम जो है उसी सेल पे हम अपडेट भी कर देंगे, तो एड्रेस में हम ऐड करके आई की वैल्यू नया एड्रेस कैलकुलेट करके हर इटरेशन में हमारे पास नेक्स्ट सेल का एड्रेस आता जाएगा। ये एक्सप्रेशन भी काम करेगा, इसे कमेंट कर दें तो आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद 2.54, बट ए शुड बी इंक्रीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। अब दो स्टेटमेंट्स हो गया बॉडी में, तो लूप की कर्ली ब्रैकेट जो है बॉडी की कर्ली ब्रैकेट मस्ट है, या तो ये एक स्टेटमेंट कर ले, ये भी वही सेम रिजल्ट देगी, एरे के एड्रेस की मदद से हर सेल को एक्सेस करके 2.54 से मल्टीप्लाई की, या ये दो स्टेटमेंट्स कर ले कि पॉइंटर है क्योंकि ये वेरिएबल पॉइंटर है ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। प्रीवियस वाले वर्जन में हम जो है एरे का नेम जो है वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है, उससे हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें हम ये प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है जी। इस वाले प्रोग्राम का भी हमारा वही सेम आउटपुट आएगा, नोट कर लें जी, पॉइंटर के जरिए एरे को पास करना।